हेलो स्टूडेंट्स, जय स्वामी नारायण। हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा। स्टूडेंट्स, जो आगे लगती है वो है छोटी ई की मात्रा। और ये हम कैसे लिखेंगे? हरेक वर्ण, हरेक अक्षर के आगे लगाएंगे। ओके, ये छोटी ई की मात्रा है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, ये छोटी ई की मात्रा है। तो हम ये चैप्टर में छोटी ई की मात्रा सीखने वाले हैं। अभी ये वीडियो में हम वर्णों को अलग करके लिखना सीखेंगे। आगे के सारे वीडियो में मैंने आपको चैप्टर रीडिंग भी समझा दिया और चैप्टर रीडिंग करके भी बताया, और चैप्टर में जो 5 या 6 सेंटेंस थे वो भी आपको पढ़ के सुनाए। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन लिया था कि वर्णों को तीर की दिशा में जोड़ो। एक सर्कल में आपको वर्ण दिया था जैसे कि, और तीर दिया था की वाड। ओके, तो ऐसे आपको मैंने बता दिया था। अब ये वीडियो में मैं सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ, वर्णों को अलग करके लिखो। जो शब्द दिया है उसको हमें तोड़ के अलग करके लिखना है। एंड स्टूडेंट्स, ये वीडियो में मैं ई की मात्रा आपको दो तरह से सिखाऊंगी। आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। 1 to 5 में मैं ये मात्रा करवाऊंगी और 6 to 10 में ये वाली। ओके, नाउ स्टार्ट। इराक, फर्स्ट वन है इराक। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी स्वर ही दिया है ई। ओके, तो हमें वो ही लिखना है। प्लस र, प्लस कौन सी मात्रा है? आ की। तो देखो यहाँ पे मैं अभी ये वाली ही सिखाऊंगी। ओके, प्लस क, हो गया हमारा, वर्णों को अलग कर दिया हमने। ओके, नाउ सितार। पहले हम लेंगे छोटी की मात्रा प्लस स प्लस त लिया, त के बाद कौन सी मात्रा लगी है? आ की। ओके, देखो ये छोटी सी स्लिपिंग एंड स्टैंडिंग लाइन है। ओके, वो आ की मात्रा है। प्लस र, र को कोई मात्रा नहीं लगी है। मिलन, छोटी की मात्रा प्लस म। स्टूडेंट्स, ये आगे लगती है तो हमें वर्णों को अलग करने में आगे ही लेनी है। ओके, प्लस ल प्लस न, हो गया। ओके, नाउ शिकार, छोटी की मात्रा प्लस स प्लस क, अभी क को आ की मात्रा लगी है, प्लस आ की मात्रा प्लस र। तकिया, पीलो। ओके, तकिया, तो यहाँ पे त को कोई भी मात्रा नहीं लगी है, क को छोटी की मात्रा लगी है, प्लस की क प्लस य है, प्लस आ की मात्रा। आपको एक एक वर्ण ही लेना है। ओके, आपने एक लिया, फिर मात्रा देखनी है आपको, उसके बाद वो व्यंजन लेने हैं। ओके, अभी यहाँ पे फर्स्ट वन है दिनकर। क्या है? दिनकर। तो यहाँ पे द को छोटी की मात्रा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं ये वाली मात्रा सिखाऊंगी अभी, ई। मैंने आपको बोला था आप ये भी लिख सकते हो और ये भी कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप ये छोटी की मात्रा ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने बताया है। ओके, दोनों आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये इसी के लिए ही हमने मात्रा को यूज किया है, ये आपकी मात्रा को यूज किया है। ई प्लस द प्लस न प्लस, देखो न क और र को कोई भी मात्रा नहीं है, प्लस क प्लस र।
यहाँ पे सब में मैंने मात्रा ली है ई की। आप यहाँ पे ऐसे और ऐसे भी जब वर्णों को अलग करो तभी आपको लिखना है। आपको ऐसे नहीं लिखना है कि ई वी ल न, ये वर्ड आपका गलत जाएगा। ओके, आपको ऐसे नहीं लिखना है। जब आप अलग कर रहे हो तब आप ये मात्रा के बदले यहाँ पे आप ई लिख सकते हो, ई स्वर। ओके, स्वर आता है ना अ अ ई ई, जैसा वोवल वर्ड सीखते हो उसमें वोवल वर्ड और कॉन्सोनेंट होते हैं ए ई आई ओ यू, ऐसे यहाँ पे स्वर और व्यंजन अलग है। ओके, ई प्लस व प्लस ल और न को तो कोई मात्रा ही नहीं है, ल प्लस न। ओके, दिमाग ई प्लस ई की मात्रा के बाद द प्लस म। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो म को आखिरी मात्रा लगी है। अभी यहाँ पे हमने ऐसे स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन ली है आखिरी मात्रा में, बट यहाँ पे हमने सारे स्वर यूज किए हैं मात्रा में। ओके, तो मैं आखिरी मात्रा ऐसे लिखूंगी। प्रॉपरली वॉच करो, यहाँ पे मैंने आ लिखा है। ओके, ग दी मा ग। ओके, दिया ई प्लस द, ये मैंने आपको दोनों इसीलिए सिखाया कि दोनों का मीनिंग सेम ही है। कभी मैं ये या ये आपको पूछूं या एग्जाम में भी बताओ तो आपको दोनों का मीनिंग एक ही ऐसा समझ में आना चाहिए। आप जब वर्णों को छोड़ो तो ई की आ की मात्रा कोई भी हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है। दी प्लस य प्लस आ, दी या की ला। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर का वर्णों को जोड़ के लिखो सीखेंगे। ओके, जय स्वामी नारायण।